आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस खूबसूरत प्रोग्राम बंधन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी और तमाम नाज़रीन को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे, और मुझे पता है कि आप तमाम नाज़रीन इस प्रोग्राम का बड़ी ही बेचैनी से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही मैं ये प्रोग्राम शुरू करती हूँ फौरन ही तकरीबन बग़ैर किसी मुबालगे के 15 से 20 कॉलें जो हैं वो आज जो हैं वो आ जाती हैं इस प्रोग्राम के दौरान। और जाहिर बात है कि मैं आपसे कहती हूँ कि क्योंकि आज तो ये प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपकी कॉल्स का जवाब दे सकूँ, लेकिन मैं जो हूँ इंशाल्लाह मंडे टू थर्सडे जो है वो आपकी कॉल्स का जवाब देती हूँ और इंशाल्लाह ताला यही सिलसिला जारी रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बंधन में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ा बताना चाहूँगी कि बंधन में रजिस्ट्रेशन कराने का तरीक़ा बहुत ही सिंपल है कि आप मुझे मंडे टू थर्सडे जो है वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके जितनी भी डिटेल्स होती हैं अपने बच्चों की वो मुझे देते हैं, और उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 1 ऑफ 14 पाउंड है वो आप पेपाल के ज़रिए भी हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर फ़ोन करके हमारे मैनचेस्टर ऑफिस को भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे भी फ़ोन करके जब डिटेल्स बताते हैं तो कार्ड पेमेंट आप मुझे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है हमारे रजिस्ट्रेशन का और बहुत ही मुख्तसर से जो है वो फ़ीस है 14 पाउंड। बाज़ दफ़ा तो मुझसे कहा गया है कि 14 पाउंड कुछ भी नहीं है, आपको बढ़ाना चाहिए अपनी फ़ीस को, तो लेकिन हम यही सोचते हैं कि ये जो है वो खिदमत खल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को ये एजाज़ हासिल है कि ये बढ़ चढ़ कर जो है वो खिदमत कर रहा है और इस चैनल से माशाल्लाह से मज़हब हक़ के प्रोग्राम्स इतने अच्छे अच्छे पेश किए जाते हैं, उसके साथ ही ये कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए ये प्रोग्राम हमारा जो है वो हर जुमे की शाम 6 से 7 बजे जो है वो नश्र किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का तआवुन और आप लोगों का साथ हमारे साथ रहा, तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी हर तो इम्कान कोशिश करते हैं कि आपकी हम मदद कर सकें। और पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा सा जो है वो ये कहा था कि यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दो नाज़रीन हैं उन्होंने अप्रोच किया है और डोनेशन हीटर्स वगैरह जो है लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम उन्होंने यहाँ पर जो है वो करने का वादा किया है, तो मैं उन तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और ये खुदा ताला से दुआ करूँगी कि बहक़ मासूमीन मौला उनकी तमाम मुश्किलों को परेशानियों को उनकी हाजात को जो है वो बढ़ लाए और उनकी मुश्किलात दूर करें, उनकी परेशानियाँ दूर करें, उनकी जो भी हाजात हैं उनको मौला जो है वो कबूल फरमाए। तो यहाँ पर इससे ये बहुत अच्छी फीलिंग लगती है कि हमारे नाज़रीन देखते हैं, हमारा एहसास करते हैं और फिर जो है वो तआवुन करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल है और ये चैनल जो है वो आपके तआवुन से ही चल रहा है, वरना तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़रीन जो हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में वो हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो मौला सबको सलामत रखे। बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम का। आज मैं बहुत सी जो है वो नई आइडियाज़ भी हमारे पास हैं तो वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन शेयर करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन जब मुझे रिंग करते हैं मंडे टू थर्सडे बिटवीन 6 to 9 o'clock, तो आप मैंने हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो है वो अपना जब भी वॉइस मेल छोड़ें आप तो उसके साथ अपना नंबर ज़रूर रिपीट किया कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जो है नंबर नहीं छोड़ते अपना और वो इतने सारी कॉल्स आती हैं कि वो बीच में नंबर जो है वो मिक्सअप हो जाता है, तो आप प्लीज़ मेहरबानी किया कीजिए कि अपना जब भी वॉइस मेल, वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप अपना टेक्स्ट मैसेज छोड़ें और टेक्स्ट मैसेज में जो है वो ब्रीफ़ डिटेल्स जो भी आपका बेटा है या बेटी जिसको आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो आप ब्रीफ़ एक जो है मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दिया करें, और बहुत ही अच्छा हो अगर आप तस्वीर के साथ मुझे व्हाट्सअप के ऊपर या वाइबर के ऊपर जो है वो पिक्चर के साथ जो है वो डिटेल भेज दिया करें, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है ताकि मैं वो सारा डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र कर सकूं अपने हार्ड कॉपी के ऊपर। तो आप जो है ये ज़रूर कोशिश किया करें कि आप जो है वो जब भी वॉइस मेल छोड़ा करें उसके साथ अपना नंबर ज़रूर रिपीट कीजिए करें। तो यहाँ पर हम आज जो है वो हमारी आज की पहली आईडी है और इस आईडी में जो है वो
जो बेटी है जो फीमेल है वो 24 इयर्स ऑफ एज है और ये हमारे पास जो है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट से जो है वो ये हमें आईडी आई है और इस आईडी में जो बेटी है वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। 5'1" इनकी हाइट है और उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने बीएससी किया हुआ है और यहाँ पर भी ये कहते हैं कि इनके रिश्तेदार जो हैं वो यूके में भी मुकीम हैं और अगर कोई भी रिश्ता यहाँ से अगर कोई हमारे नाज़रीन जिनको ये रिश्ता पसंद आए और वो करना चाहते हो अपने बेटे का रिश्ता इनके साथ तो इनकी आईडी है 75 लेकिन यहाँ पर भी इनके रिश्तेदार हैं तो इनको कोई मुजायका नहीं है कि अगर वो यहाँ पर भी मूव हो जाए तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई हमारे ऐसे नाज़रीन हैं या हमारे ऐसे अमेरिका में स्टेट में हैं हमारे नाज़रीन जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अपने बच्चों के लिए रिश्तों की तलाश में हैं तो वो ये आईडी नंबर 75 को नोट कर लें कि जो कि लड़की जो है वो यूएसए ही में ही मुकीम है। हमारी आगे की आईडी है और इस आईडी में हमारे पास एक और फीमेल आईडी है और इस आईडी में जो बच्ची है वो 26 ईयर्स ऑफ एज है और नॉन सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी हाइट 5'4" है और ये जो हैं वो नॉन हिजाब यानी कि हिजाब नहीं करती हैं तो इनकी आईडी नंबर है 76 अगर किसी को पसंद है और इन्होंने भी जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है और फ़िलहाल जो है ये बड़ी अच्छी जॉब कर रही हैं कहीं पर ये मैनेजर लगी हुई है किसी रिटेल इंडस्ट्री में तो आप ज़रूर जो है वो नोट कर लें 76 अगर इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है और इस आईडी में आईडी का नंबर है 77 ये भी फीमेल आईडी है। इस फीमेल आईडी में जो लड़की की एज है वो 24 है सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ है। 5'4" इनकी हाइट है और ये यहीं पर क्योंकि ये लंदन में मुकीम है और ये चाहते हैं कि इनको ऐसे ही लड़का मिले जो कि उसी शहर में हो तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि देखें हर चीज़ मिलना हर चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल है। खुदा की ज़ात जो है वो सिर्फ़ वही परफेक्ट है उसके अलावा कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है तो आप ये कोशिश किया करें कि जब आप अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं उसमें थोड़ी सी मुझे भी फ्लेक्सिबिलिटी दिया करें ताकि मैं भी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं आपकी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं और डिफरेंट आईडीज़ से और मैं मैच करना भी चाहती हूँ लेकिन वो किसी एक बात पर आकर बस वो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है तो मैं ये मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकती हूँ मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकती हूँ कि आप थोड़ी सी अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो मामला बड़े एहसन तरीके से जो है वो हल हो सकता है लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि अगर एक शहर के लोग दूसरे शहर में नहीं जाना पसंद करेंगे तो फिर ये मामला जो है वो किस तरह से हल होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि ये नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड जो है वो किस तरह से मैं ख़त्म करूँ कि जो साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ में नहीं जाना पसंद करते जो नॉर्थ के लोग हैं वो तो कहते हैं कि चले कोई बात नहीं हम जो है वो अगर एक घंटे की डेढ़ घंटे की ड्राइव है तो फिर भी हम उस रेडियस में जो है वो जा सकते हैं लेकिन साउथ वाले जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार नहीं होते कि उन्हें जो है वो अगर बर्मिंगम का रिश्ता दिखाओ मैनचेस्टर का रिश्ता दिखाओ तो वो फिर इस तरह से आप खुद सोचें कि किस तरह से हम मुश्किलात को परेशानियों को हल कर सकते हैं। बहुत मुश्किल बात है कि अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे अपने सोच में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है आपको नहीं मालूम यानी कि आप यकीन करें कि मेरे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि वाकई जब लड़कियों का मामला आता है कि लड़कों का मामला तो जहाँ तक होता है कि इंसान के उसमें होता है कि वो लड़की को किसी को पसंद करते हैं या देखते हैं और जाते हैं उनके साथ उनके घर रिश्ता देते हैं लेकिन लड़कियों के मामले में तो आप नहीं कर सकते ना इस तरह से कि अब खुद तो आप नहीं गिर पड़ के शादी कर सकते कि हाँ भाई हमें लड़का पसंद है तो आप खुद तो और ये अप्रोच अच्छी भी नहीं लगती जहाँ तक मैं बहुत हो सकता है ओल्ड फैशन हूँ और ये अप्रोच मुझे जो है मैं अपने नाज़रीन से हमेशा ये कहती हूँ लड़की वालों से कि वेट करें मुझे लड़के वालों से बात करने दें मैं ये चाहूँगी कि लड़के वाले आपको फ़ोन करें जो कि हम जब बचपन से देखते आ रहे हैं और एक ये एक तरीक़ा है कि लड़के वाले हमेशा लड़की वालों को अप्रोच करते हैं तो मुझे ये जो है वो सिस्टम जो है बहुत मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब है कि लड़के वाले जो है वो लड़की को अप्रोच करें तो
आप जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और मैं जो हूँ वो अपना इंशाल्लाह ताला जो है बड़ी मेहनत के साथ मैं काम कर रही हूँ। आप मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 6 से 9 बजे आप मुझे टाइम दें और 6 से 9 बजे जो है आप मुझे रिंग करें, तो आप यकीन करें कि सिर्फ 6 से 9 बजे तक मैं सिर्फ काम नहीं करती हूँ, बल्कि रात के 10 बजे, 11 बजे, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बाज़ दफ़ा तो सुबह ही सुबह 6 बजे और 5 बजे जो लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर क्या टाइम होता है, तो फिर वो उस वक्त में कॉल करते हैं जो उनको कन्वीनियंट होता है। जब हम यहाँ अपने गरम गरम बिस्तरों में सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो कॉल आती है। तो आप बाज़ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप अपना फ़ोन जो ऑफ़ क्यों नहीं कर देती है, लेकिन मेरी हमेशा से यही आदत है कि मैं फ़ोन जो है वो ऑफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हो सकता है बाज़ दफ़ा मेरे ऐसे जानने वाले हैं, मेरे ऐसे हल्का अहबाब है इस तरह के मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे रात को 1 बजे भी फ़ोन करते हैं, अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत चाहिए होती है, तो मैं अपने फ़ोन हमेशा ऑन रखती हूँ। तो प्लीज़ कोशिश ये किया करें कि आप भी थोड़े से फ्लेक्सिबल हों ताकि मैं आपकी जो है वो ऐसा तरीके से मदद कर सकूँ। उम्मीद है कि आप जो भी मैं यहाँ से बात करती हूँ उसको आप समझने की कोशिश करें कि निगह जो बात कह रही है उसके पीछे कोई रीज़न है कहने का। तो बहर कैफ इंशाल्लाह ताला आपका साथ रहा तो हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस चैनल के हवाले से जो है वो हम आपकी जो है वो परेशानी को समझते हैं। अच्छा, हम चलते हैं आगे की आईडी की तरफ, और इस आईडी में हमारे पास एक और फीमेल आईडी है और ये सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं। इस फीमेल में जो लड़की हैं उनकी एज 27 है और उनकी हाइट 5'7" है। एलएलएम उन्होंने किया हुआ है और वो कश्मीरी बट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनको भी जो है वो कोई पढ़ा लिखा लड़का वो तलाश कर रही हैं। तो अगर आप की नज़र में है तो मुझे ज़रूर रिंग कीजिएगा, और इसका जो आईडी नंबर है वो 81 है। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और इस आईडी में हमारे पास ये भी फीमेल आईडी है, और इस आईडी में जो साहिबा हैं उनकी 2 ट्विन बच्चियां हैं जो कि दोनों जो है 25, ऑब्वियसली अगर ट्विन है तो आज मेरा भी दिमाग क्या है कि जाहिर बात है अगर ट्विन है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक 24 की और एक 25 की हो। तो दोनों ये बच्चियाँ इनकी जो है ये माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं और इन्होंने बीएससी किया हुआ है बायोमेडिकल में। तो अगर हमारे और बहुत ही अच्छी नाइस फैमिली है, लेकिन ये लोग अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन सैयद हैं, तो इनको कोई सैयद ही फैमिली का लड़का ये देख रही हैं। तो अगर हमारे कोई ऐसे नाज़रीन जो कि सुन्नी सैयद हैं तो और वो अपने बेटे के लिए तलाश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, और इसका आईडी नंबर जो है वो है 89। आप ये नोट कर लें कि 89 इन बच्चियों का आईडी नंबर है, और इनकी हाइट जो है वो 5'3" है। तो इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और इस आईडी में हमारे पास जो ये मेल आईडी है, और ये भी हमारी बहन जो अपने बेटे के लिए तलाश कर रही हैं वो अहले मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं, अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनके बेटे की एज 32 है, हाइट जो है वो 5'9" है, और इन्होंने आईटी में डिग्री की हुई है, और बहुत अच्छी ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी बिज़नेस जो है वो सेटअप की है। तो अगर आप देख रहे हैं अपनी बच्ची के लिए तो इनका आईडी नंबर नोट कर लें, इनका आईडी नंबर है 65। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और इस आईडी में हमारे पास जो लड़का है इसकी आईडी नंबर आप नोट कर लें 62 है। आईडी में जो लड़का है वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एजुकेटेड है, उर्दू स्पीकिंग है, और 27 ईयर्स ऑफ इनकी एज है, लेकिन ये ऐसी लड़की की तलाश में है जो कि बाहिजाब हों और हिजाब करती हों। तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपनी लड़की के लिए तलाश करें और ये आपको आईडी पसंद है, तो इनका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लड़की जो है वो बाहिजाब होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात करती चलूँ कि देखिए, जब आप मुझे रिंग करते हैं, स्पेशली ख़ास करके वो हमारी ख्वातीन जो अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए रिश्ते तलाश कर रही हैं, तो मैं उनसे एक बात बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ कि देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बहनें, हम माएँ जो हैं वो अपने प्यार में, अपने चाव में, अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमने जो है वो
आराम से बैठकर अपने बच्चों से बात नहीं की होती है, उनसे पूछा नहीं होता कि बेटा आपको क्या चीज़ पसंद है, फिर वो हमें रिंग करती हैं, अपने बच्चों को रजिस्टर करवा लेती हैं और बताती हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए। ज़ाहिर बात है वो अपने तौर से बेहतर चाहती होंगी अपने बच्चों के लिए, ऑफ कोर्स हर माँ जो है वो बेहतर ही चाहती है, तो वो हमें क्राइटेरिया बताती हैं अपने सोच से, लेकिन जब हम उनको उनकी मैच का बिल्कुल उनकी कंपैटिबिलिटी का जो उन्होंने बताया होता है वो रिश्ता हम उनको बताते हैं, तो फिर वहाँ से जो आती है वो आती है खामोशी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। और मैं परेशान हो जाती हूँ कि भाई मैंने इधर लड़की वालों से, ज़ाहिर बात है जब मैं लड़के वालों को उनकी डिटेल देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, और बाज़ दफ़ा तो तस्वीर भी वो मंगा लेते हैं और तस्वीर भी मैं उनकी इजाज़त से भेज देती हूँ, जब सब कुछ चला जाता है तो वहाँ से खामोशी आती है। थोड़े दिन तक तो मैं इंतज़ार करती हूँ, फिर मैं जब पूछती हूँ तो वो फिर जो है जी एक्सक्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं कि जी हमारे बेटे ने ये नहीं किया, अभी ऐसा नहीं है, अब ये पूछा नहीं है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। तो प्लीज़ ज़रा सा आप जो है ना वो ये सोचा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो है वो नेमतों से नवाजा है, अगर आपके घर बेटे हैं तो बेटी वाले जो हैं उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है कि आप जो है अगर आप लेते हैं तो आप एक्सक्यूज़ कर दें, कोई मुनासिब सा जो है वो आप रीज़न बता के आप कह दें कि भाई नहीं बनी। लेकिन ये जो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं जिसकी वजह से मुझे भी बहुत उलझन होती है, और ज़ाहिर बात है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप बेटियों वाले हैं कि बेटियों वालों को कितनी उलझन होती होगी कि हमने उनसे कहा कि ये हमने जी आपके लिए लड़का तलाश किया, वो आपको रिंग करेंगे, हमने उनको सारी डिटेल आपकी पास कर दी है, अब वो आपको जो है वो रिंग करेंगे, और वो बेचारे मुझे रिंग करते हैं, मैं फिर लड़के वालों को रिंग करती हूँ, और वो ये सारा सिलसिला जो है वो एक जो है वो नामुनासिब सी सिचुएशन हो जाती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि इस सिचुएशन से बचने के लिए वो माएँ वो बहनें जो अपने बच्चों के लिए अपने भाइयों के लिए रिश्ते तलाश कर रही है, प्लीज़ खुदा के लिए पहले अपने बच्चों से पूछ लें कि देखो हम तुम्हें रजिस्टर करवा रहे हैं, तुम्हारी पसंद नापसंद जो है वो ज़रूरी है जानना, उसी एतबार से हम लड़की की तलाश शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद आप मेरे पास आया करें, फिर उसके बाद रजिस्टर करवाया करें, और फिर जब मैं आपको बता देती हूँ नंबर दे देती हूँ तो फिर आप या तो रिंग किया करें लड़की वालों को, या वापस मुझे आके बताया करें कि या एक टेक्स्ट मैसेज, अगर आप बात करते में झिझक रहे हैं हिचकिचा रहे हैं मुझसे बात करने में, तो आप ऐसा किया करें कि आप जो है वो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कि भाई निगहत सॉरी ये लड़की हमें थोड़ी सी सूटेबल नहीं लगी है, हमने डिटेल्स ले ली थी, डिटेल्स में अच्छी लगी, लेकिन अब हमें जो है वो ये थोड़ा सा नहीं लगी कंपैटिबिलिटी, कोई बात नहीं हम आपको और रिश्ते दिखा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक मैं ये चाहती हूँ कि एक महज़ब तरीक़े से आप मुझे बताएं कि आपको वो रिश्ता पसंद नहीं आया, कोई भी वजह है कोई बात नहीं। देखें हम लड़की वालों से भी यही कहते हैं कि जिस घर में लड़कियां होती हैं वहां तो रिश्ते आते हैं, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे जो आपको नहीं सूट करेंगे ना मुनासिब लगेंगे, तो कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं होता ना कि हर रिश्ते के को वो करना, तो आप हमें बता दें कि नहीं मुनासिब लगा तो हम जो है वो बात वहाँ पर खुश असलूबी के साथ ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये मुनासिब नहीं कि जो है वो वेट होता रहे और जो है वो कोई जो है वो रिस्पॉन्स जो है ना मिले। तो बहर कैफ ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता था, और इस चैनल पे मैं कहती हूँ आपसे कि जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो होता है वो आईडीज़ पढ़ के नहीं सुनाना होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको पता है लिमिटेड टाइम है, इसमें मैं तमाम आईडीज़ जो हमारे पास 300-400 के करीब डेटा है उसको हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम में नहीं वो सुना सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि इस चैनल से बहुत ज़रूरी है कि हम इस्लाही बात भी करें, वो बातें कि जो कि मुश्किलात पैदा कर रही हैं रिश्तों के हवाले से, वो चीज़ें जो हमने एक अपना बना लिया एक सोच, हमने एक अपना जो है वो नुक्ता नज़र हमारा है कि बस इससे हमने हटना नहीं है, तो वो भी उसको भी थोड़ा सा चेंज करना, उसको भी थोड़ा सा जो है वो ठीक करना, ये हमारा और इस प्लेटफॉर्म का फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैं ये सारी बातें कहती हूँ, अगर आपको ये बातें जो है वो नामुनासिब लगती हैं या आपको नहीं सुनना चाहते तो मैं हमेशा कहती हूँ आपके पास तो चॉइस है कि आप बटन दबाएं और चैनल के सामने से मूव हो जाएं, और जब मैं ये गुफ्तगू कर चुकूँ सिलाई तो फिर आप जब मैं शुरू हूँ अपनी आईडी बताना तो आप फिर ज्वाइन कर लें। बहर कैफ ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊँ कि मुश्किलात को हम यहाँ पर हल करने के लिए बैठे हैं, और हम और आप ही मिलकर जो है वो हाँ इस
مسئلے کا، ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، ورنہ کوئی دوسرا جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ حل نہیں نکال سکتا. ہم نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان رشتوں میں آسانیاں پیدا کریں. بہت رشتے ہیں، رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنی جو ہے نا وہ اپنے جو کرائیٹیریز ہم نے جو سیٹ کر لیے ہیں کہ جس میں جو ہے بہت ہی آئیڈیلسٹک ٹائپ جو ہے وہ ہم نے اپنے جو ہے کرائیٹیریا سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ 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 چیز، اس میں ہم نے اور کسی چیز کو سوچا ہی نہیں ہے، اس میں ہم نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی رشتہ کر رہے ہیں وہ صرف صورتوں کی بنیاد پر یا کیا کہتے ہیں اچھی جابس کی بنیاد پر یا صرف اچھے اسٹیٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ رشتہ نہیں چلتا، بلکہ انسان کا اچھا ہونا سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے کہ انسان اچھا ہو. اور آپ نے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ناظرین مجھ سے زیادہ با علم ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور وہ اچھے سے یہ جانتے ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ کن بنیادوں پہ آگے بڑھتے ہیں اور کن بنیادوں پر ان میں پختگی آتی ہے. یہ آپ کو مجھ سے بہتر طریقے سے پتہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نادان ہمارے بعض ایسے ناظرین ہیں جو کہ اپنے کرائیٹیریا ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس میں کیا کہوں، بہر کیف اپنا اپنا نظریہ ہے جیسے میں کہتی ہوں، تو یہ میرا نظریہ ہے. تو اب چلتے ہیں اپنی آج کی بقایا آئی ڈیز کی طرف، اور یہاں پر میرے پاس ایک اور جو ہے وہ میل آئی ڈی ہے، اور اس میل آئی ڈی میں جو لڑکا ہے اس کی ایج 32 ہے. ان کی پریویسلی جو ہے وہ میرج ہوئی تھی، اور کسی وجوہات کی بنا پر وہ میرج جو ہے ان کی نہیں چلی ہے، لیکن اس میرج سے کوئی بچہ کوئی اولاد نہیں ہے. تو بہت اچھی نائس فیملی ہے، سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ویل آف لوگ ہیں، اور گڈ لکنگ ٹال لڑکا ہے. تو ضرور جو ہے وہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آئی ڈی کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں، نمبر ہے 9. اور یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک مختصر سی بریک کا ٹائم آ چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد.